हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज के लेक्चर पे हमारा चल रहा था क्लस्टर कंपाउंड चल रहे थे। क्लस्टर कंपाउंड का सेकंड लेक्चर है जिस पे हमने बात करनी है बोरेन्स पे। बोरेन्स को आप क्या बोरेन हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल वो चीज बताने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके, तो देखिए, आज के लेक्चर पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो जितना स्टडी मटेरियल है ये सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे इसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप जाके वहां से ले लीजिएगा। अब आपको नोट्स तो मिल जा रहे हैं, बट अब आपने क्या करना है, थोड़ी देर क्या है, एक घंटे की वीडियो की, जितने की भी वीडियो होगी, थोड़ी देर ध्यान से सुनना है, चीजें हम क्लियर करा लेंगे, नोट्स आप तो मिल जाएंगे। ओके, तो एक ही लेक्चर पे हम लोग बोरेन और बोरेन हाइड्राइड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो देखिए, क्लस्टर कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे थे, इसका मतलब क्या है, क्लस्टर कंपाउंड के हमने बोरेन के अंदर ही हमने बोरेन और बोरेन हाइड्राइड की बात करना है। इट मींस बोरेन और बोरेन हाइड्राइड भी क्या है, एक टाइप के क्लस्टर कंपाउंड है। इतनी चीज समझ में। अब देखो, एक बार मैं क्लस्टर कंपाउंड पे रिवीजन दे देती हूँ। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो क्लस्टर कंपाउंड की नहीं देखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं थोड़ी चीजें आपको क्लियर करा देती हूँ। तो देखिए, क्लस्टर कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्लस्टर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिस पे जो कंपाउंड होगा, मतलब उस पे जो मेटल एटम होंगे, एक मेटल एटम तो हो ही नहीं सकता, और क्या होने चाहिए, एक से ज्यादा मेटल एटम होने चाहिए, और वो मेटल एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक होने चाहिए। यानी कि दो मेटल एटम है, ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच हो। समझ में आ रहा, अगर दो है तो ये ऐसे अरेंज होंगे, तीन होंगे तो ये कुछ ऐसे अरेंज होंगे, समझ में आ रहा, चार होंगे तो ऐसे अरेंज होंगे, मतलब अरेंज कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि जो मेटल है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ही लिंक कर। देखिए, ये इसके साथ डायरेक्टली लिंक कर रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ओके, तो इस टाइप के कंपाउंड को आप बोलते हैं क्लस्टर कंपाउंड। इतनी चीज समझ में आ रही। अब आप बोल रहे कि बोरेन और बोरेन हाइड्राइड भी एक टाइप के क्लस्टर कंपाउंड है। इट मींस यहाँ पर जो मेटल होगा, बोरेन्स और बोरेन हाइड्राइड भी क्लस्टर कंपाउंड है, मतलब कि यहाँ पर जो मेटल होगा वो क्या होगा, बोरोन होगा। इतनी चीज तो क्लियर हो रही ना, क्योंकि बोरोन जिसे आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी क्या है, एक टाइप का मेटल है। तो यहाँ मेटल की प्लेस पे आपने क्या रख देना है, बोरेन को रख देना है। इतनी चीज आप बोरोन को रख देना है, तो आपका जो क्लस्टर बनेगा, सपोज मैंने यहाँ मेटल के बदले क्या रख दी, दोनों जगह बोरोन रख दी। ओके, तो ये जो क्लस्टर कंपाउंड बना जिसपे क्या है, ये दो मेटल एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच करे, तो ये कंपाउंड बन गया। और ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों मेटल एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच करे, तो ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हैं क्लस्टर कंपाउंड। तो ये किसका क्लस्टर कंपाउंड है, बोरोन का क्लस्टर कंपाउंड है। इतनी चीज समझ में आ रही। अब देखो, अब मैं बोलती हूँ कि बोरोन के आगे मैंने हाइड्राइड क्यों यूज किया, मैं इसे सिंपल बोरेन्स क्यों नहीं बोल रही, बोरेन हाइड्राइड क्यों बोला। अब इसका रीजन ये है, देखो मैंने जब आपको लास्ट वीडियो पे पढ़ाया था, मैंने लास्ट वीडियो पे क्या बताया था, मैंने आपको क्लस्टर कंपाउंड्स के टाइप बताए थे, कार्बोनाइल और हैलाइड टाइप, हैलाइड टाइप क्लस्टर कंपाउंड। उस पर मैंने आपको क्या बोला था कि सपोज आपका कोई भी क्लस्टर कंपाउंड है, जिससे मैं क्या लिख दू, Fe2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, CO6 लिख दिया। ओके, तो ये एक टाइप का क्लस्टर कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इस पर जो मेटल है, मेटल क्या है, Fe है, वो दूसरे Fe यानी कि दूसरा भी तो मेटल ही है, इसके साथ डायरेक्टली लिंक है। और यहाँ पे जो ग्रुप है, एडिशनल ग्रुप है, जैसे क्या है, CO, CO क्या है, लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, और 6 CO है। ओके, मैंने यहाँ 6 CO लगा दी। ओके, ये तो हो गया। अब इस टाइप के क्लस्टर कंपाउंड को मैंने क्या बोला कि मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड। कार्बोनाइल क्यों बोला, इस CO ग्रुप की वजह से, ये CO ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप ही तो कहते हैं, तो इस CO ग्रुप की वजह से इस पूरे क्लस्टर कंपाउंड को आपने क्या बोला, मेटल, मेटल तो है बट इस CO की वजह से इसे बोला मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर ग्रुप। ओके, जी समझ में आई। अगर मैंने इसी कंपाउंड में Fe2 के बदले मैंने यहाँ पर कोई X लगा दिया होता, X भी मैं 6 कर देती हूँ, तो ये भी एक टाइप का क्लस्टर कंपाउंड ही तो होता। क्यों, क्योंकि यहाँ भी दो मेटल है और दोनों मेटल एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक है, और 6 आपके पास एक्स है, यानी कि एक एक्स यहाँ लगा दी, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये भी एक टाइप का क्लस्टर कंपाउंड है, बट इस क्लस्टर कंपाउंड को मैं कार्बोनाइल क्लस्टर नहीं कहूंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल नहीं है, यहाँ पर क्या है, हैलाइड ग्रुप है, एक्स ग्रुप, एक्स ग्रुप मतलब हैलोजन है, तो मैंने इसको क्या बोला, मेटल हैलाइड क्लस्टर कंपाउंड। इतनी चीज समझ में। ये चीजें मैंने लास्ट वीडियो पे एक्सप्लेन कर दी थी, तो देखो वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि सपोज आपका क्या है मेटल, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया बोरोन, इसके बदले Fe के बदले बोरोन ले लिया, क्योंकि बोरेन्स की बात कर रहा है, B2 ही ले लिया। अब मैंने यहाँ पर CO भी नहीं लिया, X भी नहीं लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया हाइड्रोजन, क्योंकि बोरोन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, ये जो ग्रुप अटैच होता है, यहाँ तो CO हो गया, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस पर क्या है, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के साथ ये लिगेंड अटैच हो जाते हैं, लिगेंड जैसे CO हो गया, हैलोजन भी, हैलाइड ग्रुप भी क्या है, एक लिगेंड की तरह एक्ट करता है, मैंने आपको वहां भी एक्सप्लेन किया था ना, क्या कोऑर्डिनेट कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो ट्रांजिशन मेटल हो गया जो कि सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, CO आपका क्या है, लिगेंड है,
लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, बट यहाँ पे बोरोन आपका मेटल है, जैसे मैंने Fe के बदले बोरोन ले लिया, और यहाँ पर CO भी नहीं लिया, X भी नहीं लिया, मैंने लिया हाइड्रोजन, इसके साथ आता है हाइड्रोजन, इतनी चीज समझ में आया। अब हाइड्रोजन मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया। अब देखो इस कंपाउंड को आप क्या कहेंगे, बोरोइंस बोलेंगे। ये जो क्लस्टर कंपाउंड है किसका है, पहले ये Fe का था, ये इसका था, ये क्लस्टर कंपाउंड किसका है, बोरेन्स का है, क्योंकि यहाँ हमने मेटल कौन सा लिया, बोरोन लिया है। ओके, बट अब मैं इसे बोरेन्स के साथ साथ बोरेन हाइड्राइड भी कह सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये बोरोन के साथ जो ग्रुप अटैच है, बोरोन तो ये हो गया, इसके साथ जो ग्रुप अटैच होनी चाहिए यहां पर को, वो कौन है, कोई एक्स नहीं है, कोई सीएल नहीं है, क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसे बोलते हैं हाइड्राइड, समझ में आ रही थी जी। जैसे आप ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, ऑक्साइड, सल्फर के साथ बनाएंगे तो सल्फाइड, वैसे हाइड्रोजन के साथ अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो उसे बोलते हैं हाइड्राइड, इतनी चीज क्लियर है। तो तभी हम इसे बोरेन्स के साथ साथ बोरेन हाइड्राइड भी बोलते हैं, इतनी चीज क्लियर है, समझ में आई इतनी चीज, तो ये इसका रीजन होता है। ओके, अच्छी चीज तो हम समझ गए। अब मैं आपको बताती हूँ इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जो चीज हमने ध्यान देनी है। ओके, अब आप खुद ही समझिए कि BH4 अगर मैं बोलू, ठीक है, BH4 यानी कि बोरेन, एक सिंगल बोरेन ले लिया, उसके साथ मैंने क्या है, चार वैलेंसी में हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया, तो क्या ये क्लस्टर कंपाउंड बनाए, नहीं बनाएगा, क्योंकि क्लस्टर कंपाउंड की तो कंडीशन ही ये रहती है कि उस पर जो मेटल है, जो ये मेटल है, इसको जो लिंक बनाएगा, ये जो बॉन्ड बनाएगा, ये बोरोन जो बॉन्ड बना रहा है, इसमें एक बॉन्ड तो कम से कम मेटल के साथ ही हो, यानी कि दूसरा मेटल होना ही चाहिए, और ये दोनों मेटल एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक होने चाहिए। अब मैं BH4 की बात करूंगी तो यहाँ तो एक सिंगल मेटल है, अब आप क्या करेंगे, इसे क्लस्टर कंपाउंड कंसिडर नहीं करते हैं, इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाती हूँ रिलेटेड टू बोरिंग, देन हम लोग क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर पे बात करेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओके, अब देखिए पहली चीज क्या बोल रहे हैं, बोरेन आर द टाइप ऑफ द क्लस्टर कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन, इतनी चीज समझ में आई। अगला बोल रहे हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है BXHY। अब देखो यहाँ पर BXHY है, चाहते तो हम बोलते थे BHY, क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ बोरोन सिंगल हो ही नहीं सकता, क्लस्टर कंपाउंड बनाना है तो बोरोन के साथ एक दूसरा बोरोन भी होना चाहिए, मेटल के साथ एक दूसरा मेटल भी होना चाहिए, कितनी चीज समझ में आई। अगला बोल रहे हैं द पेरेंटल मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज BH3। पेरेंटल मेंबर यानी कि फर्स्ट मेंबर तो BH3 हुआ, बोरोन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो पहला मेंबर तो BH3 हुआ, बट ये क्लस्टर कंपाउंड में नहीं इंक्लूड होता, ठीक है, विच आर स्टेबल ओनली इन गैसियस स्टेट, सिर्फ गैसियस स्टेट में स्टेबल होता है। अगला बोला ऑल द बोरेन्स आर गैसियस सब्सटेंस एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और अगले जो बोरेन्स बनेंगे वो भी क्या होता है, एक टाइप के गैसियस सब्सटेंस होता है, इट मींस बोरोन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो गैसियस होते हैं, ओके, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। अगला बोल रहा है दे आर नॉट स्टेबल एंड रेडिली ऑक्सीडाइज इन एयर। अब ये क्या है, एयर में ये लेकिन क्या है, स्टेबलाइज नहीं होते, इसका मतलब क्या है, एयर में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इस बोरेन कंपाउंड में, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं कंसीडर किया जाता है। ओके, अगला बोल रहा है दे आर कॉल्ड बोरेन्स बिकॉज दे आर हैव एनालॉजी विद द एल्केन्स। अब देखिए इसे बोरेन्स बोलने का इसका रीजन ही ये है क्योंकि ये एल्केन्स की तरह सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, आप खुद ही देखिए, एल्केन्स क्या होता है, मैथ एथ प्रोप बट ब्यूट ऐसे तो होते हैं, तो अगर मैं मिथेन बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनाऊंगे, इथेन बनाओ तो C2H6 कहूंगी, सिमिलरली अगर मैं बोरेन बनाऊ तो इसे क्या कहूंगी, BH4 कहूंगी, अगर डाई बोरेन कहूंगी तो इसे क्या कहूंगी, B2H6 कहूंगी। ओके, अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज का, बस कार्बन को बोरोन से रिप्लेस कर दिया, कार्बन को C को B से रिप्लेस कर दिया, समझ में आ रहा, तो ये दोनों क्या है, एनालॉगी, इनके स्ट्रक्चर क्या काफी सिमिलर, काफी क्या, पूरे के पूरे सिमिलर है, बस कार्बन के बदले यहाँ पर जो कार्बन था उसके बदले आपने बोरोन रख दिया, यहाँ पर जो कार्बन था बोरोन रख दिया, बाकी नंबर और कितने नंबर के हाइड्रोजन होने चाहिए वो सारे के सारे सेम है, जिसकी वजह से हमने इसे एल्केन्स के सिमिलर एक टर्म दिया जिसे हमने बोला बोरेन, इतनी चीज क्लियर है। अगला बोल रहे थे हायर बोरेन्स, हायर बोरेन्स पे हमने एक सेपरेट टॉपिक पे बात करनी है, यानी कि सेपरेट लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे हायर बोरेन्स पे, क्योंकि पेपर के लिए अच्छा पॉइंट है। तो अगला क्या बोल रहे थे, हायर बोरेन्स आर कंसिडर्ड टू बी अ बोरेन क्लस्टर, बोरेन्स क्लस्टर जिसे आप पॉलीहाइड्रो हाइड्रल बोरेन्स भी कहते हैं, यानी कि हायर बोरेन्स भी क्या है, एक टाइप के मेटल क्लस्टर ही, यानी कि बोरेन क्लस्टर ही है, बट क्या ये हायर बोरेन्स है, ओके, यानी कि नंबर ऑफ बोरेन्स वगैरह का कुछ ना कुछ इश्यू रहेगा, तभी हम इसे हायर बोरेन्स कह रहे हैं। ओके, जिससे आप क्या एक और टर्मोलॉजी से बोल जान सकते हैं, जिसे बोलते हैं पॉलीहेड्रल बोरेन, इतनी चीज क्लियर हो रही, तो ये जस्ट पॉइंट थे। ओके, ये चीज आप माइंड पर रखिएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते, देखिए अब आया हमारा क्लासिफिकेशन, बोरेन्स का क्लासिफिकेशन। ओके, अब देखिए ना बोरेन के क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन क्लस्टर कंपाउंड का मैंने इससे पहले वीडियो पे भी बताया था, जनरली बहुत टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, जनरली जो हमारे मेन होते हैं वो चार ही होते हैं, क्लोजो
क्लोजो, नीडो और अरेग्नो और हाइफो। ओके, तो ये चार टाइप के क्लस्टर कंपाउंड है। अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था कि कैसे आपको कोई क्लस्टर कंपाउंड दे दिया जाएगा, तो वेग फॉर्मूले से आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो क्लस्टर कंपाउंड आपका क्लोजो है, नीडो है, अरेग्नो है या फिर हाइफो है। ओके, तो वहां तो आपने फॉर्मूला लगा के नंबर कैलकुलेट, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, फिर आपको पता चलेगा एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन है, एक्स इज इक्वल टू एन प्लस टू है, तो आप इसे क्लोजो नीडो का नाम दोगे। ओके, बट बोरेन के केस पे इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। बोरेन का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को देख के, यानी कि क्लोजो के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, नीडो के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, अरेग्नो के लिए भी, हाइफो के लिए भी। ओके, अब फॉर्मूले के देख के ही आप बता देंगे कि वो कंपाउंड आपका क्लोजो है, नीडो है, अरेग्नो है या फिर हाइफो। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए, अब बात करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में पहला बोल रहा है क्लोजो। क्लोजो मतलब क्या होता है? देखो, क्लोजो जो टर्म है वो ग्रीक से है, बोल रहा है, जिसका मतलब होता है केज। ओके, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, वो चीज आप ध्यान रखिए ना। क्लासिफिकेशन है जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसका अपेयरेंस कैसा है, समझ में आ रहा? अगर आपका स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो क्या है, केज जैसा आपको फॉर्म हो रहा है, जैसे आपने एक बोरोन यहाँ लिया, बोरिन यहाँ लिया, बोरिन यहाँ दिया, ये केज जैसे बन गए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, मतलब कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर बना कि आपको वो अपेयर ऐसा हो रहा है कि वो केज लाइक स्ट्रक्चर है, तो वहां से ये क्लोजो टर्म का क्लोजो टर्म ओरिजिनेट हुआ है। इसी से समझ में आ रहा? तो क्लोजो बोरेन हम तब कहते हैं, क्लोजो जो टर्म है वो ग्रीक से है, जिसका मतलब ही होता है केज लाइक, एंड दे हैव ए कंप्लीट क्लोज पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे कंपाउंड का जिनकी जो ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री हम परफेक्ट नहीं बना सकते पेपर पे, हम फॉर्मूले के बेसिस पे देखेंगे कि आपका जो कंपाउंड है वो क्लोजो टाइप का है, देन आपको मालूम पड़ेगा अगर आपका कंपाउंड क्लोजो टाइप का है तो इट मीन्स इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पक्का कैसी होगी, क्लोज पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि केज लाइक से आपको वो अपेयर होगी। ओके, अब बोल रहे विद द ट्राइगोनल फेस, इसमें क्या होगा, मतलब ये ट्राइगोनल फेस जैसे होंगे, ये फेस बनेंगे, यानी कि फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर भी बनेगा, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोजो। और क्लोजो बोरेन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी एन एच एन, यानी कि अगर बी एन एच एन फॉर्मूला टाइप का अगर कोई भी आपको क्लस्टर कंपाउंड मिला बोरेन का, तो उस टाइप के क्लस्टर कंपाउंड को आप बोलेंगे क्लोजो। तो मैंने आपको यही चीज बोला था, आपको यहां क्या है, सिर्फ किसको देखना पड़ेगा, आपने बस यहाँ पर को फॉर्मूले को देखना पड़ेगा, और फॉर्मूले को देख के आप बता देंगे कि कंपाउंड आपका क्लोजो है या फिर कोई दूसरा टाइप का कंपाउंड है। अगर आपको फॉर्मूले के बेसिस पर पता चल गया क्लोजो टाइप का है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बोल रहे बी एन एच एन क्या है, एक फॉर्मूला है, अगर आपका फॉर्मूला क्लस्टर कंपाउंड का कुछ ऐसा हो, यानी कि नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ एच बराबर हो, देन आप समझ जाना कि वो आपका कंपाउंड क्या है, क्लोजो टाइप का कंपाउंड है। ओके, अगला बोल रहे नीडो बोरेन। नीडो मतलब होता है नेस्ट लाइक। ओके, तो नेस्ट लाइक मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिखे दे हैव ए नॉन क्लोज स्ट्रक्चर। नेस्ट तो आप समझ सकते हैं घोंसला जिसे कहते हैं, ये क्या ऊपर से तो खुला ही होता है ना, नीचे यहाँ पर अंडे होते हैं तो ऊपर से खुला होता है। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, इनका क्या होता है, ये नॉन क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि पूरी तरह से बंद स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसा फुटबॉल है वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये देखो इसने बोला है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, बट ये क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इन विच ए बी एन क्लस्टर ऑक्यूपाई द कॉर्नर। ओके, यहाँ पर को जो बी एन है, मतलब की जो बोरेन है, यहाँ पर एक सिंगल बोरेन तो होगा नहीं, बी एन मतलब नंबर ऑफ बोरेन जो है वो कॉर्नर पोजिशन ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी एन एच एन प्लस फोर। ओके, या फिर BnHn 4 माइनस, ये तो बड़ा है, आप इसे मत देखिए, ये खाली लिखने के लिए अगर आपको याद करना है देन आप कर सकते हैं, बट सिंपल फॉर्मूला ये है, ये दोनों का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही फॉर्मूला निकलेगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो गया, BnHn प्लस 4, यानी कि यहाँ पर बी एन एच एन ये तो हो गया क्लोजो का, बट अगर यहाँ पर को प्लस फोर कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन का नंबर बोरोन से चार ज्यादा होना चाहिए, ऐसे कंपाउंड को आप बोलेंगे, ऐसे क्लस्टर कंपाउंड को बोरेन के, उसे बोलेंगे नीडो बोरेन। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए। ओके, तो अब आगे क्या बोल रहा है, अरेग्नो क्लस्टर कंपाउंड, अरेग्नो बोरेन्स। ओके, तो अरेग्नो मतलब होता है स्पाइडर, यानी कि वेब लाइक, जो स्पाइडर वेब होता है, यानी कि मकड़ी के जाला जैसा होता है, उसी को बोलते हैं अरेग्नो बोरेन्स को, मतलब उनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, जैसे स्पाइडर वेब। ओके, जालो। ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब यही चीज बोलेगा, दे हैव अ इवन और इवन मोर ओपन क्लस्टर इन विद द बोरोन एटम ऑक्यूपाई द कंटीन्यूअस कॉर्नर एंड द कॉर्नर इज अ पॉलीहेड्रन जनरल फॉर्मूला। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये चीज भी वही बोलेगा, इसका अपेयरेंस बताएगा, दे हैव इवन है मोर क्लस्टर, मतलब इस पर ज्यादा क्लस्टर होते हैं, जो बोरोन आइटम है वो कहाँ क्या ऑक्यूपाई करता है, कॉर्नर पोजिशन ऑक्यूपाई करता है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है बी एन एच एन प्लस सिक्स, यानी कि अब हो गया बी एन एच एन, बी एन एच एन क्या, सॉरी एक मिनट, क्या हो गया,
बी एन एच एन होता है आपका क्लोजो का, अगर आप इस पे प्लस फोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बना नीडो बन गया, अगर इसमें प्लस फोर के बदले प्लस सिक्स आ जाएगा, यानी कि जो हाइड्रोजन है आपके छह ज्यादा होंगे कंपेयर टू बोरोन, देन इस टाइप के जो क्लस्टर कंपाउंड होगा आप उसे अरेग्नो बोलेंगे। ओके एंड देन लास्ट वन आ जाता है आपका हाइफो। हाइफो बोरिन्स क्या होता है, हाइफो मतलब होता है नेट लाइक, सिंपल नेट लाइक। ओके तो ये बोर्डर दे हैव ए मोस्ट ओपन क्लस्टर, इनका क्लस्टर क्या होता है बहुत खुला खुला होता है, क्योंकि नेट क्या है पूरी तरफ से चारों साइड से खुली हुई है। ओके नेट यही तो होता है। इन विच द बोरोन एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स, बोरोन एटम कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करेंगे, एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइफोबोरोन इज बी एन एच एन। ओके तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बी एन एच एन होता है। ओके क्या है ना यहाँ पर को देखो, ये हमारा गलत हो गया, ये है प्लस टू। ओके ये है प्लस टू, सॉरी सॉरी सर। तो देखो ये है यहाँ पर को क्लोजो के केस पे आप क्या करेंगे, बी एन एच एन प्लस टू, इट मीन्स ये क्लोजो होगा। अगला अगर यहाँ पर को क्या हो गया, बी एन एच एन प्लस फोर हो गया, देन आप बोलेंगे नीडो। अगर एरेक्नो है यानी कि बी एन एच एन प्लस सिक्स, और हाइफो मतलब होगा सिंपल बी एन एच एन। इतनी चीज क्लियर है, अब आगे बढ़िए। ठीक है अब देखो यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन हाइड्राइड का, तो बेसिस पे फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है तो यहाँ पर लिखा है हाइड्राइड्स ऑफ बोरेन जिसे आप बोलते हैं बोराइड, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सीरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर जनरल फॉर्मूले। तो फॉर्मूले के बेसिस पे अगेन क्लासिफिकेशन लिखा है, एक क्लासिफिकेशन है बी एम एच एम प्लस फोर, यहाँ एम और एन कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि बी एम एच एम प्लस फोर। ओके यानी कि जितने नंबर का बोरोन है उतने नंबर के हाइड्रोजन होंगे, पर हाइड्रोजन का नंबर चार, मतलब कि चार नंबर ज्यादा होगा। तो देखो पहला है आपका, तो यहाँ पर को तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है बी एम एच एम प्लस फोर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बोरोन है उसका नंबर सपोज एन है, तो आपके हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, एन प्लस फोर, चार ज्यादा होगा। ओके तो इसके फॉर्मूले लिखे हैं बी टू एस सिक्स। अब आप देखो बोरोन यहाँ पर को टू है, एक मिनट, यहाँ पर को बोरोन क्या है, टू है इनिशियली, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन टू होता बट ये टू प्लस फोर है, तो इज इक्वल टू सिक्स हो गया। तो ये कौन से फॉर्मूले के अंदर आ गया, बी एम एच एम प्लस फोर। ओके जिसे आप क्या बोलते हैं, डाइबोरेन बोलते हैं। इतनी चीज समझ में, डाइबोरेन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बात करेंगे। ओके अगला है बी फाइव एच नाइन। अब आप देखेंगे बी फाइव, और इसे मैं एच फाइव ही कहूं, अगर प्लस एन कर दू तो प्लस फोर कर दू तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू नाइन। तो इसे बोलते हैं पेंटाबोरेन। ये क्या, फाइव बोरोन आइटम प्रेजेंट है, तो आपने इसे बोला पेंटाबोरेन। इतनी चीज समझ में। अगला है बी सिक्स एच नाइन। बी सिक्स एच नाइन यानी कि बी सिक्स, H को भी मैं 6 करके फ्लो 4 कर दूं तो ये कितने होंगे, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया B6H10। तो ये जो फॉर्मूला है वो भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके तो इसे बोला आपने हेक्साबोरिन, क्योंकि आपके जो बोरेन है वो कितने हैं, 6 है, तो ये हो गया हेक्साबोरिन। ओके अब लास्ट वन इज B8H12, यानी कि BH है, H को भी 8 कर दूं प्लस 4 कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे, 8 और 4 कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये जो बोरेन है ये भी इसी फॉर्मूले के अंदर आता है, और जिसे बोलते हैं ऑक्टाबोरिन, क्योंकि आपके हाइबोरेन कितने हैं, 8 है, तो 8 मतलब ऑक्टा। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए, दूसरा फॉर्मूला है आपका बी एम एच एम प्लस सिक्स, यानी कि बोरेन, एक मिनट, बोरोन और हाइड्रोजन, बोरोन का अगर नंबर n है तो हाइड्रोजन का नंबर n प्लस 6 होगा। ओके तो यहाँ पर देखिए, पहला है B4H10, यानी कि बोरोन को मैंने 4 लिखा, हाइड्रोजन को भी 4 लिखूंगी, प्लस 6 करूंगी, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो इसे आपने बोला टेट्राबोरेन, क्योंकि टेट्रा मतलब होता है चार, और बोरेन कितने आपके, चार है, आपको तो मेटल देखना है, इससे आपका कोई काम नहीं। ये तो हम बोल रहे हैं कि बोरेन के केस पर अगर आप क्लस्टर कंपाउंड बनाएंगे, जो ग्रुप ऐड होते हैं वो जनरली हाइड्रोजन होते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अगला है B5H11। B5H11 का भी सेम केस है, B5H5 भी कहूं तो प्लस इसमें मैं 6 ऐड करूं तो ऑब्वियसली क्या होगा, 11 होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्लस्टर कंपाउंड है बोरोन का, ये भी इसी फॉर्मूले के अंदर आता है। तो ये इसके दो क्लासिफिकेशन रहता है, एक होता है फॉर्मूला बी एम एच एम प्लस फोर, ये दो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई, मतलब फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं किसको, बोरेन को। तो पहला फॉर्मूला है आपका बी एम एच एम प्लस फोर, या फिर आप बी एन ही बोलिए, एम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऑड लग रहा है, तो आप इसे बी एन एच एन प्लस फोर भी लिख सकते हैं, और इसे लिखेंगे बी एन एच एन प्लस सिक्स। ओके तो ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गई। तो ये हेक्साबोरेन हो गया, ये ऑक्टाबोरेन हो गया। इतनी चीज क्लियर है, अब आगे बढ़िए। ओके अब देखते हैं नॉमनक्लेचर। ओके तो देखिए ना, नॉमनक्लेचर कैसा होता है। अब ये जो नॉमनक्लेचर कर रहा है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, तो इसमें लिखा है कि बोरेन आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, बोरेन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि बोरेन आपका क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में ही प्रेजेंट हो। यानी कि जो बोरेन का क्लस्टर है, सपोज मैं इसे क्या बोलूं, BXHY, ये जो क्लस्टर कंपाउंड है, जरूरी नहीं है कि ये न्यूट्रल ही फॉर्म में हो। ओके तो इन क्लस्टर कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बोला है कि बोरेन आर ऑफ टू टाइप, बोरेन आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो
न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल है तो ठीक है, लेकिन एक क्या है आयनिक भी हो सकते हैं, तो आयनिक में भी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं यानी कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि कैटायन और एनायन कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो बोरेन आपके दो टाइप के हो गए। अब बोरेन, क्योंकि बोरेन क्या है एक न्यूट्रल फॉर्म में ही हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते, कभी कभार बोरेन के स्पीसीज के ऊपर चार्ज भी आ जाता है, जिसकी वजह से बोरेन के जो क्लस्टर कंपाउंड है ये भी क्या है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक होता है न्यूट्रल फॉर्म में, एक होता है आयनिक फॉर्म में। ओके, अब देखो न्यूट्रल बोरेन के हम लोग सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, पहले हम लोग न्यूट्रल का देखेंगे, देन हम लोग आयनिक क्लस्टर कंपाउंड का यानी कि आयनिक बोरेन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, तो पहले न्यूट्रल बोरेन का हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, बहुत ईजी है, थोड़ी देर सुन लीजिए बस। अब ये क्या बोल रहे, देखो लैटिन टर्म से हमारे प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स मतलब कि ऐसे टर्म जिसको हम जो आपका जो आपके जो सेंटेंस है उसके आगे यूज करते हैं वो होता है प्रीफिक्स। ओके, तो पहले जो यूज करना है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, जो बाद में करना है उसे बोलते हैं सफिक्स। तो यहाँ लैटिन से कुछ प्रीफिक्स के टर्म आए थे जैसे बोलते हैं मोनो, डाई और ट्राई, तो इन प्रीफिक्स का यूज करके हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्योंकि इन प्रीफिक्स को हमने कहाँ यूज करना होता है बोरेन के आगे। बोरेन में अगर आप बोल सकते हैं एक ही बोरोन एटम प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे मोनोबोरेन, समझ में, तो ये बहुत इजी है ना। अगर बोरेन में दो बोरोन एटम प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे डाई, अगर तीन बोरेन प्रेजेंट है तो ट्राई, कितने यहाँ पर को क्या सिर्फ मेटल के बेस पे हो रहा है हमारा नॉमेनक्लेचर, ये चीज ध्यान पर रखना, बोरेन देखना हाइड्रोजन नहीं देखना है। ओके, तो वही बोल रहा है द लैटिन प्रीफिक्स मोनो डाई एंड ट्राई ईटीसी आर यूज्ड बिफोर अ बोरेन टू इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ बोरेन एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ये क्या इंडिकेट करता है उस कंपाउंड में जो आपका क्लस्टर कंपाउंड है उसमें कितने नंबर के बोरेन एटम आपकी प्रेजेंट है। ओके, अगला क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल इंडिकेटिंग बाय इंक्लोजिंग द एप्रोप्रिएट अरेबिक न्यूमेरल इन। ओके, तो अब आपने क्या करना है और जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ रिप्रेजेंट होंगे जब आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा बोरेन के बाद, आपने क्या करना है ब्रैकेट में इसको क्या है नंबर्स के स्पेसेस पे लिखना है। कैसे, अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे वो कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे BH3 क्या हो गया, ये तो सिंपल बोरेन हो गया। ओके, इसमें तो आप इसे मोनो भी लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे वो भी ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 3, तो आपने ब्रैकेट करके पीछे लिख दिया 3। ओके, अब है B2S6, अब आप देखेंगे B2S6 में नंबर ऑफ बोरोन कितने, 2, तो आपने बोला डाई, आगे पहले डाई लगाए क्योंकि मोनो डाई ट्राई लगाना है ये प्रीफिक्स, तो आपने बोला डाई, देन आप बोरेन लिखिए, सिंपल आपने लिख दिया बोरेन। अब पीछे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6। ओके, सिमिलरली यहां भी करेंगे 3 बोरेन है तो लिखा ट्राई एंड देन सिंपल लिखिए बोरेन और पीछे लिखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 7 हाइड्रोजन है। ओके, तो सिमिलरली ये सारे के करते रहेंगे, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो ट्रट्टा और पेंटा, और ब्रैकेट में पीछे क्या लिखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 और 9। इतनी चीज क्लियर है, तो ये तो सिंपल सा नॉमेनक्लेचर हो गया फॉर द न्यूट्रल बोरेन के लिए। ओके, इतनी चीज समझ में। अब बोल रहे आयनिक बोरेन के केस पे आप क्या करेंगे, आयनिक बोरेन के केस पे क्या लगाना है, ये बोल रहा है द नेम ऑफ एनायन एंड एट अ 8। देखो आपका कोई भी क्या है क्लस्टर कंपाउंड है, अगर उसमें कोई भी एनायन जुड़ा होता है, जनरली क्या होता है एनायन ही जुड़ा होता है, कैटायंस नहीं लगे होते हैं जब आप क्लस्टर कंपाउंड बनाएंगे बोरेन का, तो जनरली आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है एनायन के मिलेंगे, कैटायन के क्लस्टर कंपाउंड नहीं मिलेंगे बोरेन के। ओके, बोरेन के क्लस्टर कंपाउंड पॉजिटिव स्टेट में नहीं मिलते, जनरली नेगेटिव स्टेट पे ही मिलते हैं। ओके, तो आपने कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, तो ये बोल रहा है कि जो ये एन है हमारा क्या होता है बोरेन होता है ना, ये क्या होता है एन के प्लेस पे आपने क्या लगा देना है 8 लगा देना है, क्या लगा देना है 8। ओके, तो आपका क्या है बोरेन खत्म, तो आपका बोरेन पे ही होगा, इस एन के बदले आपने क्या लगा देना है 8। इतनी चीज क्लियर है, एंड स्पेसिफाई बोथ द नंबर, और आपने क्या स्पेसिफाई करना है हाइड्रोजन और बोरोन एटम को स्पेसिफाई करना है एंड द चार्ज, चार्ज को भी स्पेसिफाई करना है। ओके, एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहे हैं देखिए, एक मिनट, एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहा है B5H8-. ओके, B5H8-. अब आपने क्या करना है यहाँ पर को डाई ट्राई नहीं लगाना है, आपने क्या करना है हम लोग एनायन की देख रहे हैं, आपने देखा ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अब आप इसमें कौन सा नॉमेनक्लेचर करेंगे जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने लिख दिया सिंपल ऑक्टा, ये हो गया ऑक्टा, मतलब क्या हो गया 8 हो गया, हाइड्रो ऑक्टा हाइड्रो मतलब की 8 हाइड्रोजन है, फिर आपने लिखा बोरोन कितने पेंटा 5 है, यानी कि हो गया पेंटा। बोरेन के बदले अब आप क्या करेंगे बोरेट लगा देंगे, यहाँ पर को क्या होना चाहिए बोरेन होना चाहिए था, आपने एन के बदले लगा दिया 8, और कितना नेगेटिव चार्ज है 1 नेगेटिव चार्ज है तो 1 माइनस कर दिया, समझ में। अब मैं देखो यहाँ पर बताती हूँ, पहला है आपका, देखो पहला वाला देख लेते हैं NaB2S7। ओके, तो जो Na है आप इसे पहले लिख दीजिए, आपने लिख दिया इसको सोडियम। ओके, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाया, अब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है B2S7, B2 मतलब पहले आपने क्या लिखना है H7 लिखना है क्योंकि बोरेन आपका लास्ट में है, 7 मतलब क्या होता है हेप्ट हो जाए, तो आप लिख सकते हैं इसे हेप्ट, और हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं हाइड्रो। ओके, तो हेप्ट हाइड्रो,
उसके बाद बोरोन कितने हैं, दो हैं, तो आपने लिखा डाई, डाई के बाद बोरोन, बोरेन लिखने के बदले आप क्या लिखेंगे, बोरेट, एट, ओके एट, ये याद रखना, एट, एन के बदले एट, ओके। उसके बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या, यहाँ पर को लगाइए नेगेटिव चार्ज, वन नेगेटिव चार्ज, तो ब्रैकेट माइनस वन, इतनी चीज बहुत ईजी है, ओके। इस पर भी क्या करेंगे, सोडियम दो है आपके, ठीक है, तो यहाँ डाई होना चाहिए, ठीक है, सोडियम हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर को पहले आप लिखेंगे ये जो आपका पीछे को ग्रुप है, ये क्या है, छह है, छह लिख दिया आपने, हेक्सा लिख दिया, और कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, तो आपने लिख दिया फिनाइल, ओके। उसके बाद बोरेन कितने हैं आपके, सिक्स है, ओके, तो सॉरी बोरेन आपके कितने, दो है, तो आपने लिखा डाई, डाई के बाद आ गया बोरेन, लिखने के बदले आपके लिखेंगे एट, और चार्ज कितना है, टू नेगेटिव चार्ज है, तो आपने लिख दिया टू नेगेटिव। सिमिलरली आप कैल्सियम और सोडियम का दोबारा कर सकते हैं, इतनी चीज क्लियर हो रही, आपने बहुत इजी करना है, उसमें तो डाई डाई टेट्रा लगाना है, इसमें क्या करना है, पहले आपने कोई एडिशनल ग्रुप है आपके पास तो वो लिखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रो वाला पार्ट लिखेंगे, देन बोरेन वाला पार्ट लिखेंगे, और बोरेन को एट में कन्वर्ट कर देंगे, और जितना भी चार्ज है उसे पीछे ब्रैकेट में लिख देंगे, इतनी चीज क्लियर है। तो ये हो जाता है नॉमेनक्लेचर, तो बहुत इजी नॉमेनक्लेचर था, ठीक है, एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाइएगा टीचर को, इतनी चीज क्लियर है। अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं डाइबोरेन पे, क्योंकि ये बोरेन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी बोला था, अगर आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछ लिया जाए प्रिपरेशन बताओ, प्रॉपर्टी बताए, तो हम डाइबोरेन के रिस्पेक्ट पर सब कुछ सब चीजें एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि इतना ब्रीफ नहीं बढ़ना होता है, डाइबोरेन इनफ है, आप इतना बता देना, ओके। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आपको, देखो पहले आपने लिखना है प्रिपरेशन, अब ये चीज तो थोड़ी याद करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो डाइबोरेन को प्रिपेयर करने के फॉलोइंग मेथड है, पहला मेथड ये बोल रहा है, पहले आपने क्या करना है, 2NaBH3 को रिएक्ट कराना है I2 के साथ, हीट प्रोवाइड कराएंगे तो B2S6 यानी कि डाइबोरेन आपका फॉर्म हो जाएगा, प्लस में आपके 2NaI बाहर निकलेगा और H2 गैस भी आपकी इवॉल्व होगी, ओके। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, 2BCl3 को आपने रिएक्ट कराना है, यानी कि इसको भी H2 से रिएक्ट कराना है, और आपने यहाँ पर को बैलेंस किया, तो ये यहाँ पर 2 है तो यहाँ आपको 6 लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया तो आपको क्या है, डाइबोरेन आपको मिल गया, और यहाँ पर को आपने BF3 के साथ जब आप NaH का रिएक्शन कराएंगे और हीट देंगे तो भी आपको B2S6 यानी कि डाइबोरेन मिल जाएगा। अब देखिए ये चीज तो आप खुद ही याद कर सकते हैं ना, अब मैं आपको प्रिपरेशन कैसे याद करूं, ये चीज तो थोड़ा आपको लर्निंग पावर भी होनी चाहिए ना, थोड़ा याद करना भी आना चाहिए, ठीक है, तो प्रिपरेशन रिएक्शंस वगैरह समझाई जा सकती है बट याद नहीं करा सकती, ओके, तो ये चीज आप याद करना, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब सिंपली प्रॉपर्टी बोले तो हम, तो पहली प्रॉपर्टी डाइबोरेन की क्या है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो डाइबोरेन्स क्या है फिजिकली, अगर हम उस पर बात करें तो ये कलरलेस टाइप की गैस है, मैंने आपको पहले ही बोला ये बोरेन की जितने भी कंपाउंड है ये आपके गैसियस फॉर्म में, तो ये कलरलेस गैस है, और 4 स्मेल आती है इसकी, 4 स्मेल क्या होती है, मतलब कि बहुत गंदी सी स्मेल, बदबू टाइप की स्मेल आती है, ओके। अगला क्या बोल रहा है, अब हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये बोल रहा है इट इज स्टेबल ओनली एट ए लो टेम्परेचर, सिर्फ लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल रहता है, और ऑन हीटिंग एट ए रूम टेम्परेचर, अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे हीट करें बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस, इट चेंज इन टू ए नंबर ऑफ हायर बोरेन्स। तो देखो ये क्या है, ये तो हम नॉर्मल बोरेन्स पढ़ रहे हैं, हायर बोरेन्स मैंने बोला बाद में हम पढ़ेंगे, तो अगर आप इसे हीट करेंगे B2S6 को यानी कि डाइबोरेन को अगर आप हीट करेंगे एट ए रूम टेम्परेचर किस डिग्री पे 100 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपका नॉर्मल जो आपका ये B2S6 डाइबोरेन है ये क्या है हायर बोरेन्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, ओके। अगला बोल रहा है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाएंगे तो क्या होगा, आपको मैंने पहले ही बताया ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, ओके, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर लिखा है डाइबोरेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, डाइबोरेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 बनाते हैं, B2O3 क्या हुआ, B2O3, तो ये क्या बना था बोरेन ट्राइऑक्साइड, ठीक है ये हो गया बोरेन, इसमें लिख देती हूँ ट्राइऑक्साइड, बोरेन ट्राइऑक्साइड बना देते हैं जब ये क्या है एयर के कांटेक्ट में आए बोला या फिर आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, सेम चीज है, ओके, अनस्टेबल हो जाते हैं, तो इसकी रिएक्शन यहाँ लिए B2S6 जो आपकी डाइबोरेन है, आपने क्या किया ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो ये B2O3 यानी कि बोरेन ट्राइऑक्साइड बना देगी और वाटर आपके निकल जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के साथ यानी कि वाटर के साथ अगर आप डाइबोरेन का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, डाइबोरेन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म ए बोरिक एसिड, तो आपका एसिड फॉर्म हो जाएगा H3BO3, ओके। तो B2S6 अगर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो H3BO3 फॉर्म होगा जिसे आप बोलते हैं बोरिक एसिड, और H2 गैस लिबरेट होगी, ओके। अगला है एक्शन विद एल्कलाइन, एल्कलाइन के साथ यानी कि बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, आपने डाइबोरेन को KOH के साथ जो कि बेस की तरह एक्ट कर रहा है इस तरह रिएक्ट कराया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया,
के बीओ थ्री, के आपका पोटेशियम की बात कर रहा है, बीओ बीओ टू, ओके, के बीओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसे एल्कलाइन के साथ रिएक्ट कराएंगे. ओके, अगला बोल रहा है एक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, डायबोरिन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ इजिली रिएक्ट कर देता है डायबोरिन और क्या बनाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइट. ओके, यानी कि NaBH4 बनाता है. अगर आपने बोरेन को किसके साथ, मेटल यानी कि कौन सा मेटल, सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिलेगा, NaBH4, जिसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइट. ओके, इतनी चीज समझ में आए. अब देखिए ना, ये जो प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन है डायबोरिन की, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी. इतनी चीज मैं आपको बोल सकती हूँ, बाकी चीजें मैं समझा सकती हूँ, बट आप इतना याद कीजिएगा, समझ में आया, ये रिएक्शंस वगैरह तो याद ही करनी पड़ेगी. ओके, अब लास्ट में हमारे थोड़ी चीज बच गई है. अब है आपका स्ट्रक्चर डायबोरेन का, आप स्ट्रक्चर से समझा दीजिए. तो देखो डायबोरेन के स्ट्रक्चर में क्या है, मैं आपको क्या बोलती, मैंने आपको पहले भी बोला कि ऐसा नहीं बना देना कि बोरेन बोरेन यहाँ पर को हाइड्रोजन बना दिए, ठीक है, B2S6, ऐसा नहीं होता है. स्ट्रक्चर डायबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है. ओके, अब देखो यहाँ पर को क्या है, एक मिनट रुकना. देखो यहाँ पर को जो बोरेन है, बोरेन के साथ क्या है, ये हाइड्रोजन एटम अटैच है. ओके, ये हाइड्रोजन एटम है. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये हाइड्रोजन एटम के बारे में भी बताना होता है. ये जो दो हाइड्रोजन एटम है, ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये कॉर्नर है, कॉर्नर हाइड्रोजन एटम है. ओके, लेकिन ये दो हाइड्रोजन एटम क्या है, ब्रिज वाले है, ब्रिज हाइड्रोजन एटम, ब्रिज हाइड्रोजन एटम. ओके, तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पर की बॉन्ड लेंथ दिखा रहा है 1.33 एंगस्ट्रॉम. अगली यहाँ पर को बोरोन और हाइड्रोजन की दिखाई है 1.19 एंगस्ट्रॉम. अगला यहाँ जो एंगल है वो 122 का है और यहाँ पर को 97 डिग्री का, और इसकी यानी कि इस बोरेन से इस बोरेन तक की डिस्टेंस है 1.77 एंगस्ट्रॉम. इतनी चीज क्लियर हुई, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन. ओके, अगला है डायबोरेन की प्रॉपर्टी भी लिखी है कि इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. ये क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है ये बोरेन की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये. इट हैज टू सॉरी ये ब्रिज है. ओके, तो टू ब्रिज और टू फोर टर्मिनल हाइड्रोजन, इसके पास क्या होता है, इस बोरोन के पास क्या होता है, दो दो ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन एटम होते हैं, ये दो इन्होंने ब्रिजिंग की, लेकिन चार बचे हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, किसकी तरह एक्ट करते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन की एक्ट करते हैं. और द एनएमआर एंड रमन स्पेक्ट्रा हैव शोड दैट द फोर हाइड्रोजन एटम आर द वन टाइप एंड द टू हाइड्रोजन एटम आर द अनदर टाइप. तो अगर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू इसका स्ट्रक्चर, अगर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से इसका स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो हमें क्या पता चलेगा, एनएमआर और एनएमआर और रमन स्पेक्ट्रा से हमें पता चला कि ये चार हाइड्रोजन जो आपके टर्मिनल हाइड्रोजन है ये सबके सब एक टाइप है. अगर मैं इसे H1 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 बोलूं तो ये सबके सब ये चारों एक टाइप के हाइड्रोजन है, और ये टाइप ये जो ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन है ये अलग टाइप के हाइड्रोजन है इनके कंपेयर में. इस चीजें समझ में, तो ये आप इसके स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके कुछ बारे में बता सकते हैं. ओके, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टैक्स. है आपका स्टाइक्स नंबर. ओके, तो स्टाइक्स नंबर क्या होता है, ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है. तो ये क्या होता है, बहुत इजी है, मैं आपको बता दूंगी. तो देखो ये क्या बोल रहा है कि हमको क्या होता है, द ओवरऑल बॉन्डिंग, आपको कोई भी क्लस्टर कंपाउंड दिया जाए तो उसमें आपको कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, कौन सी ब्रिजिंग बना रहा है, कौन क्या बना रहा है, इसका पता चलता है स्टाइक्स नंबर से. कैसे, ये बोल रहा है द ओवरऑल बॉन्डिंग इन अ बोरेन इज कंफर्म बाय द फोर है, ठीक है, फोर डिजिट नंबर कॉल्ड स्टाइक्स नंबर. तो ये STYX क्या, चार डिजिट नंबर है जो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है. S कुछ रिप्रेजेंट करेगा, T कुछ रिप्रेजेंट करेगा, Y कुछ रिप्रेजेंट करेगा और X कुछ रिप्रेजेंट करेगा. ओके, अगला बोल रहे हैं इट इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ बॉन्ड इन बोरोन. सो ये आपको क्या बताता है कि बोरेन जो आपका क्लस्टर है उस पर किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके, अगला बोल रहे हैं दिस मेथड इज लिमिटेड एज अ नो नंबर एंड दिस मेथड इज लिमिटेड टू नंबर ऑफ मेटल क्लस्टर. अब बोल रहा है कि ये जो मेथड है स्टैक्स मेथड जो आप यूज कर रहे हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कितने टाइप के बॉन्ड हैं, कैसे टाइप के बॉन्ड हैं, ये क्या हर टाइप के मेटल क्लस्टर में यूज नहीं होता. कुछ ही ऐसे टाइप के मेटल क्लस्टर है जिस पर आप स्टैक्स नंबर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं. इतनी चीज क्लियर है. अब देखो स्टैक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखो STYX चार अलग अलग टर्म है, अलग अलग डिजिट है. ओके, और जो एस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है
एस रिप्रेजेंट कर रहा है 3c-2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसका मतलब क्या है आप बस इसको मत समझिए, आपको क्या करना है सिंपली मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या देखना है, ये बी एच पी मैंने यहाँ लिखा है, जो एस है आपका, जो एस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी एच बी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो आपका बोरेन है उसमें इस टाइप की बॉन्डिंग कितनी है। ओके, सिमिलरली टी आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा कि आपके कितना जो आपका क्लस्टर कंपाउंड है बोरेन का उस पे बोरोन बोरोन और ये बोरोन, सॉरी ऐसा नहीं है, ये है कुछ इस टाइप का, एक बोरेन यहाँ है, एक बोरेन यहाँ, सॉरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे बोरेन और यहाँ पे बोरेन है, आपके क्लस्टर कंपाउंड में इस टाइप की यूनिट कितनी है। ओके, एक है तो आप लिखेंगे 1t, दो है तो 2t, समझ में आ रहा। सिमिलरली v क्या रिप्रेजेंट करिए, v रिप्रेजेंट करिए कि आपके क्लस्टर कंपाउंड में बोरेन बोरेन एक दूसरे के साथ कितने बोरेन बोरेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक है। ओके, और x क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कितनी BH2 यूनिट आपके क्लस्टर कंपाउंड में प्रेजेंट है। इतनी चीज समझ में आए, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझा देती हूँ। तो एग्जांपल है आपका B2S6 का, B2S6 का एग्जांपल से देखो, आपने एक एग्जांपल पकड़ लिया ना B2S6, तो B2S6 से रिलेटेड सारी चीजें बताइएगा, ठीक है, वरना आपकी चीजें गलत भी मानी जा सकती हैं। ठीक है, ठीके? आप किसी के बारे में कुछ बता रहे, किसी के बारे में कुछ, एक आपने B2S6 क्लस्टर कंपाउंड उठा दिया, तो इसी से बारे में, इसी के बारे में सारी चीजें बताइए। ओके, तो B2S6 का स्ट्रक्चर कैसा था, बी बी यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे जो आपके कैसे थे, ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन थे, और बचे हुए ये चार हाइड्रोजन क्या है आपके, टर्मिनल हाइड्रोजन है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग स्टाइक्स का यूज करते हैं, स्टाइक्स का यूज कैसे आ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं B2S6 में S देखना है हमने, T देखना है और Y देखना है और X देखना है, ठीक है। अब S क्या रिप्रेजेंट करता था, आप ऊपर देखिए, S रिप्रेजेंट कर रहा है BHB बॉन्ड, यानी कि बोरोन हाइड्रोजन बोरेन बॉन्ड कितना है। अब आप देखोगे बोरोन है ये, एक यहाँ हाइड्रोजन बोरोन, मतलब ये है ना हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन, ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो कर रहा है, सॉरी ये है बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, यानी कि पहले बोरोन होना चाहिए देन हाइड्रोजन देन बोरोन। तो आप देखेंगे ये है बोरोन, ये है हाइड्रोजन, ये है बोरोन, एक हो गया, और एक और ये भी बन सकते हैं बोरोन हाइड्रोजन बोरोन। तो आपके एस कितने होगी, दो, क्योंकि आपकी इस क्लस्टर कंपाउंड में दो बोरोन हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड है, समझ में आ रहा ना, एक तो वेट करना, एक तो ये है बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, एक है बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, तो S आपका कितना हो गया, दो हो गया। ओके, अगला आ गया आपका T, T क्या रिप्रेजेंट करता है, T रिप्रेजेंट करता है बोरोन बोरोन बोरोन। अब ऐसा स्ट्रक्चर तो B2S6 में है ही नहीं, क्योंकि बोरोन ही आपके दो है, तो आपके जो T है, T का नंबर कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात है जीरो हो जाएगा। ओके, अगली चीज क्या है आपकी, अगली है आपकी V क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बोरोन बोरोन सिंगल बॉन्ड कितने, तो यहाँ देखिए बोरोन बोरोन के साथ में अगर आप स्ट्रक्चर B2S6 का गलत बना देंगे, ऐसा बना देंगे, तो आप यहाँ पर को Y रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, यहाँ पर को कोई भी बॉन्ड नहीं है, यानी कि B और B सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, इट मींस Y भी कितना है आपके, जीरो है। ओके, अब आया X, X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BH2 यूनिट, तो आपकी BH2 यूनिट कितनी है, यहाँ पर आप देखिए BH2 यूनिट है आपकी, देखो BH2 यानी कि ये बोरोन के साथ 2H, यानी कि अगर आप इसे देखेंगे इस बोरोन के साथ दो हाइड्रोजन यहाँ है, ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों के साथ है, इसके लिए इसे आप काउंट नहीं कर सकते, ये बोरोन के साथ, अगर मैं इसे ऐसा लिखना चाहूं BH ऐसा लिख सकती हूँ, BH2 ऐसे भी तो लिख सकती हूँ इसे, तो आपके पास कितनी BH2 यूनिट है, दो BH2 यूनिट है, इसको तो मैं यहाँ पर यूनिट में ला नहीं सकती ना, तो कितनी BH2 यूनिट है, दो BH2 यूनिट है। ओके, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बोलेंगे स्टाइक्स STYX नंबर कितना लिखेंगे, 2002। इससे आप समझ जाएंगे कि इस टाइप के क्लस्टर कंपाउंड में नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो ये बॉन्ड है कैसे, BHB BBB या फिर BBBH2 यूनिट कितनी है, आप इससे समझ जाएंगे कि S आपके दो है, T आपके जीरो है, Y आपके जीरो है, और X आपके टू है। ओके, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो क्लस्टर कंपाउंड में उसमें किस टाइप के बॉन्ड और किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इतनी चीज क्लियर हुई, तो ये था आपका बोरेन के बारे में बात, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीजें समझ में आई होंगी, अगर फिर भी कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई मिस्टेक मुझसे भी होगी तो मुझे भी बता दीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको भी हो रही होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, तो अगर प्लीज वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिएगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्स करेंगे तो तभी मेरा मन करता है वीडियोस बनाने का, इतनी मेहनत करने का, क्योंकि ये सब पूरे पूरा टाइप करना होता है, ठीक है, पूरा टाइप करना होता है, देन ये इसके स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ाओ, ये बहुत थोड़ा हेडेक सा हो जाता है, बट अगर आप अच्छे रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करती रहूंगी, आपको अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कराते रहूंगी, बट आपका रिस्पॉन्स जरूरी है, ठीक है। तो अभी वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पर को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बोरेन की, कार्बोरेन्स पे, तो अभी के लिए बाय बाय।